नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में एक लंबे समय बाद आप लोगों ने आज के सेशन में तेजी बनते हुए देखी। लगभग मैं आपको ऑलमोस्ट बताऊं तो केवल और केवल एक दिन बीच में जरूर आपने ओपनिंग से ऊपर की क्लोजिंग देखी, अदरवाइज आप ऑलमोस्ट, मैं डेट शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, 16th फरवरी से कंटिन्यू आपको बाजार में फॉल देखने को मिल रहा है। एक बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बनते हुए दिख रही है, आज के सेशन में ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है और मार्च फ्यूचर की शुरुआत, इनफैक्ट मार्च फ्यूचर की तो नहीं कहूंगा, मार्च मंथ जरूर कहूंगा क्योंकि मार्च एक्सपायरी तो आपकी पिछले थर्सडे से ही स्टार्ट हो चुकी है, फ्राइडे से, क्योंकि एक्सपायरी जो है 23rd फरवरी को आई थिंक थी, तो उसके हिसाब से मार्च एक्सपायरी तो नहीं, लेकिन मार्च मंथ, आज 1st मार्च है, ये काफी अच्छा होता हुआ दिख रहा है एंड बाजार में काफी बड़ा मूव आते हुए दिखा आज आप सभी ने। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डाटा भी आए हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक अपडेट देना चाहता हूं। एप्लीकेशन जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। 5 शेयर मंथली बेसिस पे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, 1 फ्रेश स्टॉक और आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एंड इन 5 स्टॉक्स जो ऑलरेडी आपके साथ शेयर करें, इनमें किसी की पोजीशन है और उसे डर लग रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो मे बी सैटरडे या संडे लाइव सेशन करेंगे आपके साथ, टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। वैसे तो मेरे को लग नहीं रहा किसी में टेंशन होगी, 2 प्रॉफिट में है, 1 में बुक हो गया है, 1 लेवल पे ऑलमोस्ट, 1 में ट्रेड बनाई नहीं है अभी तक, तो बेहतरीन चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, फिर भी बात करने का मन करता है तो आम सैटरडे या संडे इस बार करेंगे, ठीक है। अब आते हैं बाजार पे, तो निफ्टी की बात करूंगा, अभी 3:05 का समय हो रहा है, 17,450 पे बाजार आ चुका है। कल मैंने आपके साथ यही लेवल शेयर करे थे, इनफैक्ट आज हाई 467 का है, 17,467 का 550 सेकंड टारगेट, और मुझे लगता है 500 तक ऑलमोस्ट आज आपने देखा है एग्जैक्टली, इतना तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा, बट अभी और तेजी बनेगी, डेफिनेटली बन सकती है। डेज हाई पे क्लोजिंग दे रहे हैं बड़ी गिरावट के बाद, ये सब देखते हुए अमेरिका के मार्केट में अगर आज शाम को एक रिवर्सल और तेजी बनी तो कल हम अमेरिका की वजह से ऊपर आ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी और आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, लगभग 50-80 पॉइंट्स का और क्वेश्चन है जो आपको और तेजी बनते हुए दिखेगी। लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी है, कल के कहीं ना कहीं एक जो रिकवरी आई थी 434 तक थी उसको ब्रेक कराया हम लोगों ने, तो मेरे हिसाब से आपके लिए इजिली 17,520 तक के लेवल मार्केट में आने चाहिए, मे बी लास्ट जो अभी बचे हुए 20 मिनट्स हैं इसमें आ जाए, या फिर कल आपको एक गैप अप ओपनिंग होती हुई दिख सकती है, तो वो एक व्यू बन रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज आईटी ने काफी बड़ा परफॉर्मेंस, काफी बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। टीसीएस 73 रुपीज ऊपर है, एचसीएल टेक 23 रुपीज ऊपर है, इन्फोसिस 1497 रुपीज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगभग आपके लिए 10 रुपए की एक बढ़िया तेजी देखने को मिली है। विप्रो की बात करें, यहां भी आपने 1% से बड़ी तेजी देखी है। टेक महिंद्रा शानदार परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, तो आईटी और मेटल्स बहुत बड़ा मूव देते हुए दिखे, दोनों ही सेक्टर गिरे थे बीच में, गिरावट में भी आपके साथ पकड़ा था मैंने कि नैस्डेक में बड़ी गिरावट, आईटी गिर सकता है, गिरने के बाद आपसे कहा था कि ट्रेडर को कुछ नहीं करना लेकिन इन्वेस्टर को खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए, तो दोनों जगह मतलब 10 out of 10 मिलेंगे मेरे हिसाब से तो। एंड मेटल्स की बात करें, आज बढ़िया रिवर्सल है, फ्रेश एंट्री की राय तो नहीं दूंगा यहाँ पे भी मैं अभी भी, बट डेफिनेटली जिसने होल्ड करा हमारे कहने से, जिसने बना बचे है, अपनी पोजीशन में बने रहे, उन्होंने 3-5% पैसा बचाया है, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। हिंडाल्को 413, जिंदल स्टील लगभग 4% तेज दिख रहा है, जेएसएल 1.5% ऊपर है, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% ऊपर है, मॉइल में बढ़िया तेजी है। कुछ अपडेट आती हुई दिख रही है आज के सेशन में, ऑटो नंबर्स काफी सारे कंपनी अपने पेश कर चुकी है एंड कुछ मेटल कंपनीज के भी प्रोडक्शन डाटा आया है, जिसमें आपके लिए एनएमडीसी की तरफ से प्रोडक्शन डाटा आया है, तो फरवरी का टोटल प्रोडक्शन 4.48 मिलियन टन पे आया है, 4.31 मिलियन टन के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये बड़ी बात है। इंडिया का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन सामने आया जो कि घटकर आया, और ये लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि घटकर आया है आपका मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, अदरवाइज हम मतलब हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन आ रहा था, इस बार थोड़ा सा गिरता हुआ दिखा है, 1.56 ट्रिलियन रुपीस से घटकर, यानी कि 1.5 लाख करोड़ से ऑलमोस्ट घटकर लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपीस का जीएसटी कलेक्शन फरवरी मंथ में आया है। एक चीज और है, अगर आप नोटिस करें तो फरवरी में 28 डेज होते हैं, जनवरी में आपके 31 है, तो वो 3 दिन का भी थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो इसको हम नेगेटिव नहीं मानेंगे क्योंकि 3 दिन का वो जीएसटी कलेक्शन भी आपका मिस हुआ है, तो ये एक है।
यूरोजोन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आता है वो दिखाया एग्जैक्टली जो अनुमान था उसी पे आया 48.5 पे, 45 के ऊपर अच्छा माना जाता है, 50 के ऊपर बेस्ट माना जाता है, तो ये 42 के नीचे तो थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, तो अच्छा आया है। बाकी बात करें जर्मन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता हुआ दिखा है, जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग डाटा आया जो कि उससे हमें कोई लेना देना तो बात नहीं करते हैं। ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं और अभी अभी जस्ट जो आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, आइशर मोटर के हैं। फरवरी की टोटल सीवी यानी कि कहीं ना कहीं सीवी मीन्स जो आपकी कमर्शियल व्हीकल्स हो गए जो ट्रक वगैरह बनाते हैं उसकी बात करें तो लगभग 7,289 यूनिट्स पे आया, 5,856 यूनिट से बढ़कर, तो बहुत अच्छा नंबर दिख रहा है ये। वहीं बात करें अदानी पावर की तो यहां भी एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है, इसके बारे में आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओवरऑल बढ़िया दिख रहा है आइशर मोटर के, एक्चुअली दो दो बार सीवी सेल्स नंबर दिखाए हैं यहाँ पे, बट ठीक है कोई इशू नहीं है। टीवीएस मोटर के भी जस्ट अभी भी आए हैं तो वो भी शेयर कर देता हूँ, एंड उसके बाद हम इस वीडियो में आपके साथ लास्ट शेयर करेंगे करना क्या चाहिए बाजार में। फरवरी की टोटल सेल्स यूनिट जो है वो लगभग 2,76,150 यूनिट पे आता हुआ दिखाया, अनुमान से हल्की कमजोर आई है, और मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो थोड़ी सी बढ़कर आई है, ज्यादा कुछ खास बढ़कर नहीं आई है। बाजार की बात करें तो पोजीशन मेरे हिसाब से प्लस साइड पे है, तो फिर नो इश्यूज, आप एक शॉर्ट कहीं ना कहीं अपनी रिस्क कवर करने के लिए कुछ पुट में हेजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे ठीक ठाक लग रहा है। एंड मार्केट डेज आई पे क्लोजिंग दे रहा है, कल आपको 17,500 दिख जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।